Hello everyone, namaste and welcome back to my channel. This is Shreya and in today's video I am here in the middle of Patna which is Gandhi Maidan and aaj main explore karne wali hu India's first ever mall that is Khadi Mall jo ki just mere opposite mein hi mujhe dikh raha hai. तो मैं आज वो एक्सप्लोर करने वाली हूँ. अगर मैं लोकेशन बता दूँ, यहाँ मैं गेट नंबर 7 गांधी मैदान में हूँ. उसके जस्ट सामने आपको रीजन सिनेमा हॉल दिखेगा एंड उसके जस्ट बगल में ही मॉल खुला है. आज से एक साल पहले वो मॉल खुला है, 2 अक्टूबर को खुला है वो मॉल. तो वो मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ, जिसमें उस मॉल में कहा जाता है कि जितना भी खादी वाला मटेरियल है, कपड़े से लेकर साड़ी से लेकर सब कुछ वो आपको मिल जाएगा वहाँ पे. तो चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं. मैं कुछ काम से आई थी पटना एंड इन बिटवीन मैं सोची कि काम हो गया है तो चलो एक्सप्लोर कर लेते हैं. लेट्स गो एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट दैट मॉल कीप ऑन वॉचिंग एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो. देश का पहला मॉल खादी मॉल, इट वॉज इनॉग्रेटेड बाई चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार ऑन द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी विच वेर हेल्ड इन 2019. CM ऑल्सो ग्रांडेड द लाइफ साइज स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी ऑन द ग्राउंड फ्लोर फॉर पेइंग रिस्पेक्ट टू द फादर ऑफ नेशन. अगर मैं मॉल की बात करूँ तो मॉल बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा मुझे. जो इंटीरियर था उसमें काफ़ी मॉडर्न टच भी दिया हुआ था. जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे आपको लेडीज़ वेयर मिल जाएगा, फर्स्ट फ्लोर पे आपको मेंस वेयर एज वेल एज किड्स वेयर भी अवेलेबल है एंड जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पे आपको जितने भी लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट वाली चीज़ें हैं वो वहाँ पे अवेलेबल है. लुक एट द इंटीरियर, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा मुझे एंड स्पेशली जो मधुबनी पेंटिंग्स वाले जो वहाँ पे प्रोडक्ट्स है वहाँ पे आपको वैरायटी मिल जाएगा. लुक एट द प्लेट, ओ माय गॉड. ओके, तो जो साड़ी वाले भी पार्ट थे, साड़ी एंड जो भी कपड़े थे वहाँ पे खादी वाले वो भी बहुत अच्छे थे एंड खादी पे भी मधुबनी वर्क एंड जो भी पेंटिंग्स है वो किया हुआ था एंड इट वाज लुकिंग सुपर्ब. प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा लगा मुझे बट हैंडीक्राफ्ट वाले चीज़ तो वैसे भी महंगे होते हैं एंड कुछ चीज़ें मुझे थे जो बहुत ही ज़्यादा उसका प्राइस कम लगा. फॉर एग्जांपल मास्क वहाँ पे 25 रुपीज़ से शुरू थे अप टू 45 रुपीज़ एंड मोर देन 50. एंड यहाँ पे एक मशीन था जो कि हैंडलूम का था. यहाँ पे जो है एक आर्टिसंस रहती है वो पूरा प्रॉपर तरीके से बनाती है, जो कि जिस दिन मैं गई उस दिन वो नहीं कर रही थी. तो अनलकीली वो चीज़ मिस हो गया मेरे से, लेकिन आई जस्ट होप कि मैं ये वाला चीज़ देख पाती. कोई बात नहीं, जो जितने भी मधुबनी पेंटिंग्स वाले एरिया लगे मुझे, मैं बहुत देर से एक ही चीज़ को देख रही थी एंड यहाँ पे आपको साड़ी सूट सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे. यहाँ पे मधुबनी आर्ट मधुबनी पेंटिंग वाले पर्स, ये सब का जो पर्स का प्राइस था वो 200-250 था एंड ये सारे जो बैग्स थे वो भी 250 प्लस के थे. जो मास्क यहाँ पे देख रहे हैं वो मधुबनी हैंड पेंटेड थे एंड आई वॉज ट्राइंग कि मेरे फेस पे फिट हो रहा है या नहीं एंड फाइनली आई पिक दिस वन फॉर ₹45 एंड दैट्स सो अफोर्डेबल. मुझे अच्छा लगा तो मैं ये वाला ख़रीद ली एंड आई वॉज एक्चुअली स्टन्ड बाय द यू नो द इंटीरियर. बहुत ही अच्छे वे में इसको डिज़ाइन किया हुआ था एंड जो साड़ी वाले रेंज थे, सूट वाले रेंज थे एंड जो क्राफ्ट वाले रेंज थे वो काफ़ी अच्छे थे. अगर आप पटना से हो या फिर आप कहीं से भी हो, एक बार ज़रूर यहाँ पे आना यार. लाइक बहुत ही अच्छा फील होगा, पूरा ट्रेडिशनल वाला वाइब्स आएगा यहाँ पे आकर एंड अगर आप आ रहे हैं तो कुछ चीज़ें ज़रूर खरीद के लेकर जाएँ एंड या दैट्स इट. तो दैट्स एंड ऑफ द वीडियो गाइज. आई होप कि आपको ये मॉल के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे भी इससे पहले नहीं पता था. लेकिन यू नो पूरा एक्सप्लोर करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा. लाइक सारा चीज़ यू नो मधुबनी पेंटिंग से जितने भी लोकल क्राफ्ट आर्ट पेंटिंग या फिर खादी वाले चीज़ हैंडलूम वाले चीज़ मुझे देख के बहुत अच्छा लगा एंड अगर आप लोगों को आना है आप यहाँ पे आके खरीद सकते हो एंड दैट इज़ वेरी गुड ऑल्सो. तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो या फिर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज.